बस कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. आफ्टर संघर्ष जो एक बेटी के ऊपर था और ये कॉन्सेप्ट एक माता पिता पे है. वृद्धाश्रम जो कि कहा जाता है, बेटे बहुए जो अपने सास ससुर को या माँ बाप को जो निकाल देते हैं उनके एंजॉयमेंट के लिए, ताकि उनको कोई खिचखिच ना करे घर में इस वजह से. और उसके बाद वो जो माता पिता उनके ऊपर क्या फेस वो लोग करते हैं और क्या बीतती हैं उसके ऊपर है. एंड बहुत अच्छी स्टोरी है. हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और हमारे एक्टर के सारे जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है. सो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा. जुड़ गए इधर है ना, वो तो हमारे दर्शक बताएंगे. डुप्लीकेट लग रहा हूँ मैं, कहाँ गया मेरे ऐसा नहीं ना, जब डोरेमोन बन गया हूँ. नहीं ये रियल है, देखो रियल क्या है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. संजय भूषण जी हमारे हम लोग के प्यारे हैं तो ऐसे बोलते रहते हैं आप लोग. बिल्कुल जी, काजल साहब ने ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया है, काजल की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? मैं बोला ना कि काजल के अंदर एक चीज अभी भी देखिए, मैं जो आपको पहले भी बताया था, अभी भी इनके कपड़े जो हैं वो एक जो इंडियन हमारा कल्चर है, जो हमारी सांस्कृतिक है, और संस्कृति जो हमारी कहती है वो इन्होंने फुल कपड़े पहनकर आपके सामने एक हीरोइन की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह. ये कभी पार्टी से पेंट भी करती हैं तो वहाँ भी इनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो एक हीरोइन की तरह नहीं, एक घर परिवार की महिला की तरह होती है. ये मुझे पसंद है, मेरे अपने कल्चर बहुत पसंद है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है. हम चाहते हैं कि हमारी घर की औरतें, हमारे घर के परिवार और हमारे समाज की, ठीक है ग्लैमर की दुनिया में है वो अलग नेचर है और वो अलग बातें हैं कि हाँ इनको उसके हिसाब से जीना होता है, लेकिन जब आपको अपने हिसाब से जीना है तो कम से कम उस वक्त संस्कृति को फॉलो ज़रूर करना चाहिए और अपने कल्चर को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए. तो वो इनके अंदर है, बाकी कुछ लोगों के अंदर नहीं है. तो मैं अब सबके अपने जीवन है, मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों करते हो. उनके अपने पहनने का ढंग है भाई, उनको अपने जीने का स्टाइल है, उस पर मेरा कोई बंधन नहीं है भाई. जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना है न पहने, हमको कोई लेना देना नहीं है. मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता. ये करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ये एक संस्कृति को फॉलो करती हैं. ये नहीं कि यही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फॉलो करती हैं. लेकिन मैं जहाँ तक इनके साथ काम करने का मेरा, इनकी टाइमिंग परफेक्ट है. दूसरी चीज़ नेचर, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं. हमारे भाषा के ना होके भी हमारे भाषा के लिए इन्होंने इतना कुछ दिया, उसके लिए मैं सलूट करता हूँ पूरे गुजरात को, जो कि गुजरात से एक निकल के आई हैं और हमारे बिहार के भाषा को अपना बना लिया. तो एक दूसरे स्टेट की लड़की होकर और हमारे भाषा को और हमारे स्टेट को ये अपने गोद में ले लिए, अपने बच्चे की तरह हमारे स्टेट के लोगों को, और अपने एक बेटी होकर एक बेटी की तरह अपने स्टेट को प्रेजेंट करना, अपने बिहार के भाषा को प्रेजेंट करना, तो वो एक सराहनीय है काजल जी के लिए. गुजरात का एक बेटा देश संभाला और एक बेटा भोजपुरी इंडस्ट्री. अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो देश की बातें अलग है. तू राजनीति में काहे घुसा रहे हो भाई? राजनीति ठीक है, अलग मैटर है. गुजरात में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी है. बिहार में बहुत सारे बाकी जगह के अफसर हैं, इसका मतलब है थोड़ी जो वही चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो लोगों का प्यार है. स्टेट कोई बुरा नहीं होता है, स्टेट के लोग भी बुरे नहीं होते. जिसकी जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से अपनी पहचान बनाता है, चाहे वो बिहार का राज्य हो या अब मैं बिहार के होकर और गुजरात में शूटिंग कर रहा हूँ तो उसमें क्या लेना. जगह कोई बुरी नहीं होती, हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर, हमारी चीज़ें जो हैं कितनी बड़ी है और हम अपनों के बारे में कितने सोचते हैं, ये मायने रखता है. खेसारी और काजल आप दोनों से जाना चाहिए, ये फिल्म पुली नंबर वन और फिल्मों से क्यों खास है, इसकी यूएसपी क्या है, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म मेरी और फिल्मों के कंपेयर में आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए हम डेली दाल चावल खाते हैं, डेली दाल चावल खाते हैं ना, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हमारे घर में रसियाव पूड़ी बनता है ना तो लगता है कि आज रसियाव पूड़ी है, जबकि वो भी चावल के ही बनते हैं, वो भी आटे से ही बनता है. ऐसा नहीं कि वो कुछ और चीज़ से बनता है, लेकिन उसके रूप रेखा अलग हो जाते हैं. तो हमें वो जब छठ का ठेकुआ जब हम खाते हैं ना तो भी आटे से ही बनता है, वो भी चीनी डाला जाता है, तेल ही छाना जाता है, लेकिन कभी कभी वो छठ की ठेकुआ की जो प्रधानता है वो शायद हमारे जीवन में बड़ी हो जाती है. उसी तरह सिनेमा तो हम बहुत सारे सिनेमा करते हैं, लेकिन कुछ सिनेमा ऐसी होती है जो लगता है कि नहीं यार हम अपनी खुशी के साथ साथ पूरी दुनिया की खुशी के लिए किए हैं.
तो एक माँ बाप का वेदना जो है, जो माँ बाप की तड़प है, हम ये भी जिस दिन आई उस दिन सबको, जो अनाथ विधाश्रम में थे सबको इसने साल गिफ्ट किया, सारे लोगों को कपड़े खरीदे, मेरे तरफ से भी जो हुआ मैंने कोशिश की उनको देने के लिए, उनके प्यार में रहने। हम लोग जितना देर रहते थे काजल और मैं, हमारा काम नहीं होता था, लाइटिंग होता था ना, तो हम उनके साथ बैठ कर और गप्पे करते थे, लेकिन उस बीच में भी उनका यही रहना था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे नाती ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। उस वक्त समझ में आया कि ये उनसे दूर हो के भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं जो उनको अपने से दूर करके उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो हम लोगों ने वो विधा आश्रम से ही लोगों को लिया, किसी आर्टिस्ट को नहीं लिया ताकि वो डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, जी नहीं, हमें उनका दर्द बस बयां करना था उस सिनेमा में, और आप सबको सिनेमा में देखने को मिलेगा। वहां रह के भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और अपने आप को लाइक ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप पे, हम अपने बल पे हम लोग जी रहे हैं, खुश है। सो वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे, लेकिन वो अंदर से चीजें वेदना जो थी वो थी, बट उनकी आंखों में प्यार आता था और वो बताते थे कि नहीं बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन वो चीज़ें उनकी आंखों में दिखती थी कि नहीं, आज भी अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं, और दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। देखिए दो चीज़ बड़ी प्यारी होती है दुनिया में, अपना बच्चा और दूसरे की बीवी, बहुत खूबसूरत लगती है। क्योंकि डायरेक्टर लाल बाबू जी हैं जो पहली फिल्म आपको लेकर जब मुहूर्त गलत में जा दिया तो रो दिए थे, और आज अपना तीसरी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या चौथी फिल्म भी उनके साथ करने वाले हैं? बिल्कुल।